नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी अपना चैप्टर पोर्शन चल रहा है। आपको तीन चैप्टर में पहले करा चुका हूं। लास्ट वीडियो में आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आया था, चैप्टर 6। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि अगर हिंदी अनुवाद आपको समझ में आ जाता है तो ये समझ लीजिए आपने पूरा चैप्टर तैयार कर लिया। तो हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से समझनी है। एक चीज मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप वीडियो देखो, आप वीडियो देखा बंद कर दिया, ये चीज नहीं करनी है आप लोगों को। वीडियो को अच्छे से देखना है, कॉपी में नोट करना है, जितने भी हार्ड वर्ड लगे वो साथ साथ में लिखने हैं आपको, क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं, तभी आपका वीडियो देखना और आपका टाइम निकालना सार्थक होगा, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। देखिए आने वाले अपन महीने भर तक मैं आपको संस्कृत का पूरा कोर्स करवा दूंगा, तो प्यारे विद्यार्थियों आपके पास में बहुत टाइम बचेगा, उस टाइम का आपको सदुपयोग करना है। एक चीज फिर कहता हूं, कॉपी में जरूर नोट करें, सेल्फ स्टडी बहुत मस्ट है भाई, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई भी टीचर आपको समझा सकता है पर उसको समझना और उसको आगे पेपर में परफॉर्म करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उन चीजों के लिए आपको देखो साथ साथ में तैयारी है वो अपनी लगातार जारी रखनी है। चैप्टर जब भी आप समझो कॉपी में नोट करो, कॉपी में हिंदी अनुवाद करो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि देखिए 13 मार्क्स से आपके हिंदी ट्रांसलेशन पर निर्भर करते हैं, 13 मार्क्स हिंदी ट्रांसलेशन पर। 5 नंबर का एक गद्यांश आएगा, 5 नंबर का ही एक पद्यांश आएगा और 3 नंबर की एक संस्कृत व्याख्या आएगी। तो इस तरह से करके 13 जो मार्क्स हैं आपके वो इन्हीं चैप्टर पर निर्भर है, हिंदी अनुवाद पर निर्भर है। तो प्यारे विद्यार्थियों साथ साथ में कॉपी में जरूर करते रहिए, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक एकदम ध्यान लगा के देखिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने लास्ट वीडियो, आज मैं चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं, तो जिन प्यारे विद्यार्थियों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा वो जरूर देखें, तभी ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तभी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य नाम महान रिपु कह, मनुष्यों का महान मतलब सबसे बड़ा, रिपु मतलब शत्रु, कह मीन्स कौन है। तो अपने श्लोक पढ़ा था, जिसने लास्ट वीडियो देखा हुआ है मेरे हिसाब से मेरे क्वेश्चन पढ़ने के साथ उसने आंसर लिख दिया होगा अपनी कॉपी के अंदर, इतना मुझे विश्वास है। जिसने चैप्टर अच्छे से समझा है उसके लिए प्रश्न बहुत इजी है। तो मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, उसका शत्रु है क्रोध, क्रोध, क्योंकि वो ही उसके शरीर में देह स्थितो देह विनाशाय, उसके शरीर में स्थित रहते हुए ही उसका शरीर का क्या कर देता है, विनाश कर देता है। गुणी किम वेति, गुणों को कौन जानता है। तो अपने एक श्लोक पढ़ा था, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण, गुणी किम वेति, गुणवान व्यक्ति क्या जानता है। तो क्या जानता है प्यारे विद्यार्थियों, तो वो जानता है गुणों को। बलि बलम वेति न वेति निर्बल, केशाम संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता, किसकी संपत्ति और विपत्ति सुख और दुख में एक रूपता मतलब एक समानता रहती है। कौन से व्यक्ति होते हैं जिनकी सुख और दुख दोनों में ही एक समानता रहती है, तो वो होते हैं महताम। महताम मीन्स होता है
महान व्यक्ति, महान व्यक्ति होते हैं वो सुख में और दुख में दोनों में ही एक समान रहते हैं, चाहे सुख आ जाएगा और चाहे दुख आ जाएगा, दोनों में वो अपना धैर्य नहीं खोते, दोनों में धैर्य बनाए रखते हैं, चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए धैर्य के साथ उन दुखों का सामना करते हुए उन दुखों का निवारण करने का उपाय ढूंढेंगे। पशुना अपि की सह ग्रहियते, पशुओं के द्वारा भी किस बात को ग्रहियते मतलब ग्रहण किया जाता है, तो अपने एक श्लोक पढ़ा था देखिए, उसके अंदर एक वर्ड आया था अनुक्तम, अनुक्तम में सोता है बिना कही गई बात का भी अर्थ है वो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। सॉरी विद्यार्थियों, इसमें चेंज करेंगे, अनुक्तम, अनुक्तम तो अपने ज्ञानियों के लिए आया था और इसमें पशुओं के लिए आएगा उदरितो अर्थः, उदरितो अर्थः मतलब कही गई बात के अर्थ को समझ लेते, और अनुक्त बात को कौन समझ लेते, पंडितो जना, एक लाइन आई थी अनुक्तम अपि पंडितो जना, यानी कि विद्वान व्यक्ति बिना कही गई बात को समझ लेते हैं और पशु भी कही गई बात के अर्थ को समझ जाते हैं। उदय समय अस्त समय च कह रक्त बहती, उदय होते हुए और अस्त होते हुए भी कौन रक्त, रक्त मतलब लाल रंग का होता है, कौन होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो होता है सविता, सविता मीन्स सूर्य, सूर्य होता है वो उदय होते हुए भी लाल रंग का होता है और अस्त होते हुए भी लाल रंग का होता है, क्योंकि इसका उदाहरण देखिए किसके स्वभाव का वर्णन किया गया था, अपन ने एक श्लोक पढ़ा था ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, महता मतलब महान व्यक्ति होते हैं वो सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हैं, उसी तरीके से जैसे सूर्य है वो उदय होते हुए भी लाल रंग का होता है और अस्त होते हुए भी लाल रंग का होता है। नेक्स्ट श्लोकों पे आ जाइए प्यारे, नेक्स्ट प्रश्नों पे जिसमें विस्तार से आपको आंसर देना है, ये आपके वन वर्ड आंसर थे, साथ साथ में आंसर नोट करते रहिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है आप खुद लिखो उनको कॉपी में तो ज्यादा बेटर है ना, टेक्नोलॉजी का इतना भी अपने टेक्नोलॉजी पर निर्भर ना रहे कि खुद कुछ करे ही नहीं, तो साथ साथ में लिखते रहिए, थोड़ी मेहनत करते रहिए प्यारे विद्यार्थियों। फिर है केन समह बंधु न अस्ति, किसके समान बंधु नहीं है, किसके समान बंधु नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, उद्यमेन परिश्रम के समान बंधु नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी हारता नहीं है, कभी भी निराश नहीं होता, हर मुसीबत का सामना परिश्रम करके वो करता है तो जरूर उस मुसीबत को दूर कर सकता है, तो उद्यम यानी कि परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, श्लोक श्लोक में बार बार बोलता रहता हूं तो वही आदत पड़ जाती है, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। वसंतस्य गुणम कहा जानाती, वसंत ऋतु के गुणों को कौन जानता है, तो कौन जानता है प्यारे विद्यार्थियों, पिकह। और अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए वसंतस्य गुणम कहा ना जानाती, कौन नहीं जानता, तो इसमें आ जाएगा वायशह, वायशह मतलब कोआ नहीं जानता और पिकह मतलब कोई अलग जानती है। बुद्धिः कीदृशः भवति, बुद्धि किस प्रकार की होती है, तो जो विद्वान व्यक्ति होती है उनकी बुद्धि किस प्रकार की होती है, परिंगित ज्ञान फला, परिंगित ज्ञान फला मतलब पर प्लस इंगित, पर मतलब दूसरों के इंगित मतलब इशारों से ही ज्ञान के फल को ग्रहण करने वाली होती है। नराणाम प्रथमा शत्रु कह, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है, पहला शत्रु कौन है प्यारे विद्यार्थियों, तो पहला शत्रु है उसका क्रोध। फिर शुद्धियः सख्यम केन सह भवति, सज्जनों व्यक्तियों की सख्यम मतलब मित्रता किसके साथ में भवती मिस होती है, तो जो जैसा होता है उसकी
मित्रता भी ऐसे व्यक्तियों के साथ में होती है तो इसमें आ जाएगा आपके शुद्धि भी ही। इसमें अपन चेंज कर सकते हैं इसका आंसर अपन फर्स्ट का मनुष्याणाम महान रिपु कह क्रोध भी होता है और इस श्लोक के अकॉर्डिंग देखें तो आलस्यम आ जाएगा, श्लोक के अकॉर्डिंग आलस्यम आ जाएगा। तो इसको आप ये आलस्यम कर लीजिए इसका आंसर, और क्योंकि एक ही तरह के दो क्वेश्चन है। मराणाम प्रथम शत्रु कह मनुष्य का पहला शत्रु कौन है तो क्रोध, दोनों एक ही प्रश्न है परंतु श्लोक दो दिए हुए, दोनों में उसका अलग अलग अर्थ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमें कैसे वृक्षों की सेवा करनी चाहिए या उनका पालन पोषण करना चाहिए, तो यहां आ जाएगा आपके महावृक्षः, यानी कि बड़े वृक्षों की अपने को क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। किसके लिए? फल और छाया के लिए। फिर इसने कहा कि यदि दुर्भाग्यवश फल नहीं लगते तो छाया से तो कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दो प्रश्न आपके सामने आए हैं, दोनों को ही कट कर दीजिए, इस तरह के प्रश्न आपके आते नहीं है, तो इन दोनों प्रश्नों में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना। एक चीज ध्यान रखना, जिस तरह के पेपर में क्वेश्चन आएंगे बस वही आपको करने, उन्हीं पर आपको फोकस करना है, तो इन दोनों प्रश्नों को आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यथा निर्देशानुसार परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रच्यत। पहला क्वेश्चन है गुणी गुणम जानाति, इसका बहुवचन चेंज करना है तो गुणी का हो जाएगा गुणीन, गुणी का आपके बहुवचन हो जाएगा गुणीन, गुणम का हो जाएगा गुणः गुणई, और जानाति का बहुवचन हो जाएगा जानान्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुः उद्रितम अर्थम ग्रहणाति, इसका कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में चेंज करते समय आपको मैंने बता रखा है कि प्रथमा विभक्ति तृतीय में चेंज हो जाती है, तो पशु की तृतीय विभक्ति हो जाएगी पशुना। कर्मवाच्य परिवर्तन आपको मैंने कराए हुए हैं, प्रथमा विभक्ति है वो किसमें चेंज हो जाती है तृतीय में, और उद्रितम अर्थम सेम आ जाएगा इसमें, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ग्रहणाति इसकी अब कर्मवाच्य में एक वचन है तो यते और यंते में से क्या जुड़ जाएगा यते, तो यहां आ जाएगा आपके ग्रह यते। अब ह को अपन आधा नहीं कर सकते तो इसको सेम लिख देंगे, अब उद्रितम अर्थम सेम आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पशुना उद्रितम अर्थम ग्रहयते। मृगः मर्गैः स अनुवर्जन्ति, है ना, तो इसका एक वचन अपने को चेंज करना है, एक वचन के लिए आ जाएगा मृगः, मर्गैः सह सेम रह जाएगा क्योंकि सह शब्द के योग में यहां पर तृतीय विभक्ति लगी है, उसको चेंज नहीं करेंगे, और अनुवर्जन्ति का एक वचन हो जाएगा अनुव्रजति, अनुव्रजति हो जाएगा, तो आंसर आपका बन जाएगा मृगः मृगी सह अनुव्रजति। नेक्स्ट है कह छाया निवार्यति, इसका कर्मवाच्य चेंज करना है तो तृतीय विभक्ति कह की तृतीय विभक्ति हो जाएगा केन, छाया सेम रह जाएगा, और निवार्यति इसमें भी देखिए केन में भी एक वचन है तो यते लग जाएगा और वर्ड बन जाएगा निवार्यति, केन छाया निवार्यते। फिर तेन अह ए वनहीना शरीरम दहियते, इसका कर्तृवाच्य चेंज करना है, कर्तृवाच्य में आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों तृतीया से प्रथमा में चेंज कर देते हैं, तो तेन की प्रथमा विभक्ति सह, और ए वनहीना शरीरम ये सेम रह जाएगा, दहियते की प्रथमा विभक्ति, अब सह में आपको पता है प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा, मैंने आपको नियम लिखवा रखे हैं, तो इसमें आ जाएगा दहती, ये आपके आ गया दहती। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है संधि या संधि विच्छेद का, ये मैं आपको सारा चैप्टर पढ़ाते टाइम करवा चुका हूं, एक बार फिर समझते हैं इनको।
न प्लस अस्थि प्लस उद्यम समय, तो इसमें दो संधियां लग जाएगी, अ प्लस अ मिलकर यहां पर, यहां पर लग जाएगी आपकी दीर्घ संधि और यहां पर लग जाएगी यण संधि, तो न प्लस अस्थि का तो बना नास्ति, और यहां पर लगा अपने यण संधि तो वर्ड बनेगा नास्त्युद्यम समः, नास्त्युद्यम समः, यहां पर तो लगी अपने दीर्घ संधि और यहां पर लगी गुण संधि, सॉरी आपके लगी यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्यापगमे, इसका विच्छेद हो जाएगा आपके तस्य प्लस अपगमे, अ प्लस अ मिलकर आ बना हुआ है, समान स्वर आगे, इसलिए दीर्घ संधि है इसके अंदर। अनुत्तम प्लस अपि प्लस उहति, इसमें भी आपकी यण संधि लगी हुई है तो वर्ड बन जाएगा अनुत्तम प्युहति, इसमें भी यण संधि लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गावश्च, इसका विच्छेद हो जाएगा गावह प्लस च, ये आपके सत्व संधि का उदाहरण है, सत्व संधि कैसे लगी, विसर्ग के बाद में है च, च अपने वर्ग का होता है पहला वर्ण, तो आपको सत्व संधि की मैंने ट्रिक बताई है, पहले और दूसरे वर्ण के अंदर सत्व संधि लगती है, तो यहां पर सत्व संधि लग गई। नास्ति बहुत ही इजी संधि विच्छेद है, ये आपने कर भी लिया होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका विच्छेद हो जाएगा न प्लस अस्ति, न प्लस अस्ति। रक्त प्लस च प्लस अस्तमय, तो यहां पर देखिए विसर्ग के बाद में च पहला वर्ण आ गया, तो यहां सत्व संधि लग जाएगी, तो यहां लगाया अपने सत्व संधि तो वर्ड बना रक्तश्च, और फिर देखिए यहां पर क्या हुआ, च में अ और अ मिलकर आ बन गया, यहां दीर्घ संधि लगी तो रक्ताश्च बन गया और फिर आ जाएगा मैं, तो दो संधियां, पहली संधि तो लगी यहां पर सत्व संधि और यहां पर लगी अपने दीर्घ संधि। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जितने भी क्वेश्चन है इनमें लगभग सब में दो दो संधियां लगी हुई है। फिर योजका स्तत्र, देखिए श, स के बाद में है त, तो त अपने वर्ग का पहला अक्षर हो गया, तो पहले वर्ण में आपके कौन सी संधि लगती है, सत्व संधि, तो यहां आ जाएगा आपके योजक प्लस तत्र, ये आपके संधि के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको एक होमवर्क दिया था, इसी तरह समास का प्रश्न था, बहुत कम कमेंट आए थे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए कमेंट में आपको इनके प्रश्नों के आंसर देने हैं। ये आपका समस्त पद बहुत ही इजी है, लगभग सारे आपके चैप्टर में से ही है, नाइन्थ में पढ़े हुए समास विग्रह है और समस्त पद बनाना है, तो जो भी आपको कुछ होमवर्क दिया जाए आप कमेंट में जरूर उसको रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, इनके अपने को लिखने हैं विलोम पदानि, विलोम शब्द लिखने, प्रसीदति मतलब होता है खुश होना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपके प्रकुप्यति, क्रोधित होना, प्रसीदति मतलब खुश होना और प्रकुप्यति मतलब खुश क्रोधित होना। मूर्ख, मूर्ख इसका हो जाएगा आपके विद्वान। नेक्स्ट पे आ जाइए, अब नेक्स्ट अपना है बलि, बलि का विलोम शब्द हो जाएगा निर्बल, बलि का हो जाएगा विलोम शब्द निर्बल। शुल्बह इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपके दुर्लभ, शुल्बह का विलोम शब्द हो जाएगा आपके दुर्लभ। सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो सकता है और दुर्लभ मतलब होता है जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो। संपदो ये बहुत बार आ गया, इसका अर्थ भी मैंने बताया, संपत्ति यानी कि सुख, इसका विलोम शब्द हो जाएगा विपतव, इसका
विलोम शब्द हो जाएगा आपके विपतव, यानी कि दुख। अस्त में, अस्त होना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा उदिये, यानी कि उदय होना। और लास्ट है आपका सार्थकम, सार्थकम का विलोम शब्द हो जाएगा निरर्थकम, क्योंकि जो चीज आपके एक तो होती है सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, दूसरा हो जाएगा निरर्थक, निरर्थकम मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो। तो ये आपके विलोम शब्द हो गए प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत का वाक्य प्रयोग करना है। इन प्रश्नों को आपको करना नहीं है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके नहीं आते। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपके चैप्टर 6 के प्रश्न उत्तर हो गए। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चनों को आपने अच्छे से समझा होगा। और अब आपके लिए होमवर्क दिया मैंने एक, उसके कमेंट में जरूर पढ़ूंगा, आप इनका आंसर दीजिए कमेंट के अंदर। और प्यारे विद्यार्थियों कॉपी में जरूर नोट करते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।